हेलो एवरीवन हाय एवरीवन गुड इवनिंग नमस्कार आदाब सत आज ये भाई फटाफट से पढ़ेंगे आज एक अच्छी सी क्लास हाँ ऑडियो विजुअल ऑडियो विजुअलिटी बहुत हर ओके okay. सो गाइज इस टाइम हम पढ़ते हैं अपनी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास टाइम थोड़ा सा फिक्स नहीं है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो इंग्लिश लिटरेचर एम सीरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नियर अबाउट थर्टीन सीरीज हैविंग थर्टी क्वेश्चन ईच ठीक है तो so, थर्टीन के आसपास हम सीरीज को डिस्कस कर चुके हैं बीच में कुछ बच्चों के छोटे छोटे डाउट्स आए थे कि मैम हम इस टॉपिक में ना कन्फ्यूज हो जाते हैं बार बार तो so, इस तरीके से आप हमें वो टॉपिक बता दीजिए तो so, मैं आपको आज की जो क्लास है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए ठीक है तो आपको पता है जब हम इंग्लिश लिटरेचर का कंटेंट पढ़ते हैं तो वहां पर आपको तीन चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं और कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो हर बार वहां से आपको क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा कौन कौन सी है वो तीन एक तो है भाई यूनिवर्सिटी विट्स ठीक है एक तो है यूनिवर्सिटी विट्स एक है कैविलियर पॉइट और एक है मेटाफिजिकल पॉइंट है ना तो ये तीन चीजें हैं इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं एक हाईलाइटेड वे में आपको तीनों का डिफरेंस क्लियर करूंगी और इन तीनों से एटलीस्ट आने वाला क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे ठीक है तो वेरी फर्स्ट आपको पता होना चाहिए मेटाफिजिकल पॉइंट्स कौन से थे कैविलियर पॉइंट्स कौन से थे और यूनिवर्सिटी वर्ड्स कौन से थे और इनके अंदर कौन कौन से ड्रामेटिस्ट या पॉइंट्स आते हैं ठीक है अब जो मेटाफिजिकल और कैविलियर थे ये तो ग्रुप ऑफ पॉइट्स था ठीक है मेटाफिजिकल और जो कैविलियर्स थे ये तो ग्रुप ऑफ पॉइट था लेकिन जो यूनिवर्सिटी विट्स थे ये पॉइट नहीं थे बल्कि ये ड्रामेटिस्ट थे ठीक है ये पॉइट नहीं थे बल्कि ये कौन थे भाई ड्रामेटिस्ट थे जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वो ड्रामेटिस्ट थे प्री शेक्सपियर आप इनको प्री एलिजाबेथन भी बोल सकते हो तो जो यूनिवर्सिटी वर्ड्स थे वो प्री एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट थे मतलब एलिजाबेथ से पहले के जो ड्रामेटिस्ट थे वो ही क्या कहलाए थे यूनिवर्सिटी कहलाए थे मैं बहुत डीप में नहीं पढ़ा रही बट जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे तीनों से आने वाले क्वेश्चन ठीक है देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यूनिवर्सिटी वर्ड्स की तो नाम से ही क्लियर है यूनिवर्सिटी मीन्स यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आपको पता है विड्स होता है जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं विड्स कौन होता है भाई जो इंटेलिजेंट होते हैं तो इसका मतलब बात है यूनिवर्सिटी हाँ, तो बात है यूनिवर्सिटी विड्स तो इसका मतलब यहां पर वो लोग हैं यहां पर वो लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए विद्वान हैं तभी तो वो क्या कहलाए भाई यूनिवर्सिटी वर्ड्स कहलाई आप ध्यान से देखिएगा यूनिवर्सिटी वर्ड्स इज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हु रॉट इन सेंचुरी क्वेश्चन नंबर वन के यूनिवर्सिटी जो वर्ड्स थे वो किस सेंचुरी में लिखते थे तो ये सिक्सटीन सेंचुरी में लिखते थे अब सिक्सटीन सेंचुरी बताने की जरूरत नहीं है जब सेंचुरी मेंशन होती है तो ईयर उससे पीछे वाले होते हैं मींस 15 वाला जो सिनेरियो था 1500 वाले सिनेरियो पे जो भी यूनिवर्सिटी जो भी लिखते थे उनको हम सिक्सटीन सेंचुरी बोलते हैं जैसे कि सोलहवीं शताब्दी सत्तरवीं शताब्दी तो सेंचुरी हमेशा नेक्स्ट बोली जाती है ध्यान रखेंगे ठीक है तो यूनिवर्सिटी एक ग्रुप था इंग्लिश ड्रामेटिस्ट का जो कि सिक्सटीन सेंचुरी में लिखते थे एजुकेटेड इन यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज तो ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या थे भाई एजुकेटेड थे डेट्स वाई हम इनको क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलते हैं दिस इज द रीजन दे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर ये आपको पता है इन्होंने ही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया है बाद वाले ड्रामेटिस्ट को ठीक है इन्होंने एक बेस बनाया है जो आपने पढ़ा था मिराकल मोरलिटीज प्ले उनके बाद जो एक प्ले का एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया है वो यूनिवर्सिटी वर्स ने किया है और इन्हीं को जाके आगे शेक्सपियर बैन जोनसन आप कह सकते हो इन्हीं के आ, कदमों के ऊपर आगे बढ़े हैं कुछ भी आप कह सकते हो इस चीज को ठीक है अब यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन से थे तो आपको यहां पर नाम ध्यान रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे अब कुछ बच्चों के माइंड में आएगा मैम ये कौन से एग्जाम के लिए आप पढ़ा रहे हो तो बेटा मैं हमेशा एक चीज कहती हूं कि मेरा कभी ये मत पूछा करो कि इस एग्जाम के लिए पढ़ा रही ये देखा करो मैं सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रही हूँ डेट इट अब ये देखो वो सब्जेक्ट आपको किस एग्जाम में मिलेगा वो सब्जेक्ट आपको जिस भी एग्जाम में मिलेगा ना समझ लो आपके लिए मेरी वो वीडियो इंपॉर्टेंट है आप चाहे एल्टी ग्रेड दे रहे हो चाहे आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो चाहे आप मास्टर कैडर दे रहे हो चाहे डी ट्री प्लस बी दे रहे हो चाहे हरियाणा स्क्रीनिंग दे रहे हो इंग्लिश लिटरेचर चाहे फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो चाहे सेकंड ग्रेड दे रहे हो इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी एग्जाम है तो ये मान लीजिए ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है हुँ. कभी स्टेट मत देखा करो कि मैंने स्टेट लिख दिया तो हरियाणा का ही होगा ऐसा कोई सीन नहीं है गो विद द टॉपिक एंड कंटेंट ठीक है देखिए द ग्रुप इंक्लूड्स इसके अंदर कौन कौन से होते हैं जोन लिली वेरी फर्स्ट जॉन लिली सेकेंड है जॉर्ज पील सेकंड है जॉर्ज पील थर्ड है रॉबर्ट ग्रीन थर्ड है रॉबर्ट ग्रीन नेक्स्ट है क्रिस्टोफर मार्लो नेक्स्ट इज़ क्रिस्टोफर मार्लो नेक्स्ट इज थोमस लोस थोमस लोस थोमस नैश एंड थोमस किड ठीक है मीन्स आपको सेवन नाम याद करने हैं अब इनको बहुत ईजिली मैं याद करवाती हूँ विदाउट एनी एफर्ट्स आप इन नामों को याद कर पाएंगे बिना ही एफर्ट्स लगाए इजिली यू कैन रिमेंबर द नेम्स देखिए कैसे याद करेंगे ध्यान से देखिए अच्छा ये रेज नहीं होता हम्म कोई नहीं ध्यान से देखिएगा आपको कैसे याद करने हैं ये सात नाम यहां से पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखेंगे वैसे तो इन सेवन को यूनिवर्सिटी कहा जाता है बट कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हु इज नॉट अमंग यूनिवर्सिटी कि कौन सा यूनिवर्सिटी में इंक्लूडेड नहीं था तो वहां पर आपको नाम ध्यान रखना है थॉमस किड ठीक है वहां पर आपको नाम ध्यान रखना है थॉमस किड थॉमस किड यूनिवर्सिटी वर्ड्स के अंदर इंक्लूड नहीं माना जाता ही वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मतलब वैसे तो ये यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था मर्चेंट टेलियर किसी स्कूल में पढ़ा था मतलब यूं कहते हैं ये सही मायने में यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था बट इंटेलिजेंसी की वजह से इसको यूनिवर्सिटी वर्ट्स में काउंट कर लिया जाता है तो क्वेश्चन ये भी डाल देते हैं कौन सा यूनिवर्सिटी वर्ट्स में इंक्लूड नहीं था तो आपको ये कंटेंट भी याद रखना है कि भाई ये इंक्लूड नहीं था ठीक है अब देखिए याद करने का तरीका बहुत ही आसान है सेवन यूनिवर्सिटी वर्ड्स को हम ऐसे याद करेंगे थॉमस के किड किड मींस होते हैं बच्चे ठीक है थॉमस के तीन किड थे थॉमस के तीन किड थे और तीनों वो रंग हैं प्राइमरी कलर्स हैं हम हमेशा याद रखते हैं पीला लाल और हरा है ना लाल पीला हरा मुझे लगता है कि किसी को मतलब क्या कॉम्बिनेशन है यार येलो सूट पे रेड दुपट्टा पहनो या रेड सूट पे ग्रीन ग्रीन ज्वेलरी पहनो मतलब इट्स अ सुपर कॉन्ट्रास्ट है ना जस्ट आई थिंक वी ऑल गर्ल्स लव दिस कॉन्ट्रास्ट तो पता है ना येलो पे रेड दुपट्टा बहुत मस्त लगता है तो याद करना ना लाल हरा और पीला भाई सगे संबंधी हैं हर शादी ब्याह की रौनक है लाल हरा पीला तो सीधी सी बात है तीन बच्चे हैं थॉमस के तीन बच्चे हैं लाल हरा पीला तो पीले जॉर्ज पील क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव पेपर हमें कौन सा डिस्क्रिप्शन थोड़ी ना लिखनी है रॉबर्ट ग्रीन ठीक है और कौन सा भाई जॉन लिली तो हो गए तीन बच्चे अब भाई तीनों बच्चे हैं ना नशे में थे नशे थॉमस नैश मतलब तीनों बच्चा नशा करने लगा नशे में थे थॉमस नैश लॉज मीनस हम कई बार गाड़ी के लिए भी यूज कर देते हैं ना इस टाइप के वर्ड तो नशे में कहा थे भाई गाड़ी में अपने लॉज में घूम रहे थे अपने लोन में घूम रहे थे कैसे भी याद कर लो अपने लोन या लोज में घूम रहे थे अब अब घूम रहे थे अब भाई ज्यादा घूमेंगे तो पिटेंगे इनको पकड़ के मारो इनको तो क्रिस्टोफर मार लो बस आपको हिंट्स चाहिए अरे विनी ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन मत बना यार कुछ कुछ होता है ऐसे कमेंट मत लिखो तीनों बच्चे मर गए नहीं 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 ऐसे कमेंट बिल्कुल नहीं चलेंगे मरने मुरने की बातें नहीं हुई ठीक है तीनों बच्चे नशे में गाड़ी में घूम रहे थे पकड़ो उनको मारो उनको है ना तो क्रिस्टोफर मार लो तो ऐसे करके आप इन सेवन के सेवन यूनिवर्सिटी वर्ड्स को याद रख सकते हो गॉट इट क्लियर है तक लाइक तो तुम करते नहीं खैर मैं कहती भी नहीं मेरे को तो बेजती सी लगने लगी ये कह के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो इंग्लिश लिटरेचर की क्लास पे व्यूज ही नहीं होते मेरा जरा जी नहीं करता पढ़ाने का फिर भी मैं आ जाती हूँ ये सोच के यार जो इंतजार कर रहे हैं उनको पढ़ा देती हूँ ठीक है अब देखिए मतलब अंदर से फील नहीं होता कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने का कोई फायदा है बच्चे बहुत ही कम देखते हैं इससे अच्छा तो तुम पेडोगोजी मेरी हिस्ट्री को देख लिया करते हिंदी को देखते हो बता फायदा नहीं है लिटरेचर पढ़ाने का यहाँ अपने पेट में ही बढ़ाऊंगी यहाँ यूट्यूब पे कम रिस्पॉन्स देते हो तुम अच्छा नहीं देते अब देखो यहाँ पर आपको हाईलाइट्स याद करनी है ज्यादा डीप नहीं की लिली के कौन से वर्क थे रॉबर्ट ग्रीन के कौन से थे तो मेन मेन वर्क पे काम करना दो तीन पे ज्यादा पे नहीं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉन लिली के ठीक है अब जॉन लीली का जो कौन सा वर्क है जिसको आपको इम्पोर्टेंट याद करना है भाई जॉन लीली का ये वाला वर्क है जो आपको इम्पोर्टेंट याद करना है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है मतलब बहुत बहुत ही बार पूछा गया है एक तो आपको ध्यान रखना है एंडी ठीक है सारे नहीं याद करवा रही मैं क्योंकि नेट आ, की बुकलेट है नेट में सारे करने हैं लेकिन स्टिल टीजीटी पीसीटी एग्जाम्स के लिए बहुत है जो मैं आपको बता रही हूँ ठीक है एक तो आपको एंडी याद कर लेना है इसका एक इसका मिडाज याद करना है लिली का एक कौन सा याद करना है मिडाज याद करना है एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता ही है यूफिस ऑफ अनाटमी अनाटमी ऑफ बिट्स या इसका ये सब टाइटल है कई बार सीधा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि यूफिस का जो सब टाइटल है वो क्या है अनाटमी ऑफ बिट्स या ये भी आ जाता है द अनाटमी ऑफ बिट्स का सब टाइटल क्या है तो इसको तो बिल्कुल स्टार लगा के याद कर लेना ठीक है तो इसको तो बिल्कुल स्टार लगा के याद करोगे किसका भाई जॉन लीली से रिलेटेड तो ये तीन वर्क है जो इंपॉर्टेंटली uh, आप याद कर लेना बाकी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है लव मेटामोरफेसिस ठीक है एक ये याद कर लेना भाई लव मेटामोर्फिस ठीक है तो ये जस्ट चार याद कर लेना हम्म तो बस ये याद कर लेना किससे संबंधित भाई जॉन लिली से संबंधित नेक्स्ट है जॉर्ज पील अब जॉर्ज पीले बोल लो जॉर्ज पील बोल लो पिल्ले बोल लो वट एवर जो जी में वो बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है अब ये जॉर्ज पील क्या कहता है इसके कौन से वर्क हैं जो आपको याद रखना है मैं आ, मतलब इसके जो मेजर वर्क हैं जॉर्ज पील के आपको याद करने हैं सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इसका द अरेंजमेंट ऑफ पैरिस ठीक है कौन से याद करने हैं वेरी फर्स्ट द अरेंजमेंट ऑफ पैरिस ठीक है द अरेंजमेंट ऑफ पैरिस ये वाला याद करना है फिर दो इंपॉर्टेंट है स्टार लगा लीजिए द बैटल ऑफ एलेक्सर ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ठीक है तो ये वाला बहुत एग्जाम में पूछा गया है द बैटल ऑफ एलेक्जर ये इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से याद करिएगा द ओल्ड वाइफ्स टेल ये भी चौसर की ही टेल के ऊपर इसने दोबारा से मैनेज करके लिखा था तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट यू कैन लर्न दिस नेक्स्ट है द लव ऑफ किंग डेविड एंड द फेयर बथशेबा ये इसकी वाइफ का नाम था किंग डेविड का और ये स्टोरी को इसने डिस्क्राइब किया था ठीक है बाथेशेबा तो ये भी याद कर लेना तो इसके कौन कौन से याद करोगे इसके सारे याद करना भाई द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस द फेमस क्रोनोलोजिकल ऑफ किंग एडवर्ड फर्स्ट द बैटल ऑफ एलेक्सार सबसे इंपॉर्टेंट यही है आर्म एस्टेट वगैरह एग्जाम के लिए तो इतना ही बहुत है डी टी प्लस बी के लिए कर रहे हो तो सारे देख लेना ठीक है बस मेन ये दो याद कर लेना क्लियर क्लियर तो जॉर्ज पील का द बैटल ऑफ एलेक्सर नेक्स्ट रॉबर्ट ग्रीन अब आपको पता भाई ये रॉबर्ट ग्रीन जो था शेक्सपियर का महा दुश्मन था दुश्मन था नहीं कहने का मतलब क्या है क्योंकि आपको भी पता है इसके जो प्लॉट uh, थे वो शेक्सपियर ने बोरो किए थे अपने बॉक्स में बहुत सारे यूज किए थे रोजालिन भी यूज किया था तो शेक्सपियर कहीं ना कहीं इसको कॉपी करते थे तो इनको ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी तो इनको ना अच्छा नहीं लगता था मतलब ये तो शेक्सपियर की ये बुराई कर देते थे तो ध्यान रखना शेक्सपियर के लिए जो नेगेटिव कमेंट्री होती है ना ज़्यादातर वो रॉबर्ट ग्रीन की होती है वो अपटार्ट क्रो वाली जो कमेंट्री है सबको पता होगा इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देन यू ऑल नो वेल कि शेक्सपियर इज एन अब अब स्टार्ट क्रो विच फ्लाई विद आवर फीदर्स कि एक ऐसा बंदा है जिसने उड़ना सीखा ही है जो कहता है ना हमारे परों पे उड़ता है ठीक है तो वो जो चीज है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये रोबर्ट ग्रीन की डेफिनेशन है पॉट है शेक्सपियर के लिए रोबर्ट ग्रीन के मेजर वर्क्स में से आपको जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगेन एंड अगेन रिपीटेडली क्वेश्चन है एक तो आपको याद करना है पेंडेस्ट्रो इसका भी प्लॉट बोरो किया था शेक्सपियर ने एक ये याद करना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंडेस्ट्रो और इसका सब टाइटल भी याद करना द ट्रीम्फ ऑफ विट ठीक है द ऑफ विट ये भी याद करना एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद करना है ये वाला ए लुकिंग ग्लास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड ए लुकिंग ग्लास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड ये दो क्वेश्चन हैं जो आपको रॉबर्ट ग्रीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं ठीक है ठीके? तो दोनों क्वेश्चन आपको रॉबर्ट ग्रीन के लिए अच्छे से लर्न करने हैं नेक्स्ट थॉमस लॉस अब थॉमस लॉस का जो सबसे इंपॉर्टेंट है ओके हाँ रोजा लेने इसका था ठीके? थॉमस हाँ, लॉर्ड का ध्यान से सुनिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान से सुनना है जो लुकिंग ग्लास था रॉबर्ट ग्रीन ने शुरू किया था लुकिंग ग्लास रॉबर्ट ग्रीन ने जो स्टार्ट किया था ये कोलाब्रेशन वर्क था तो यहां से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लुकिंग ग्लास फॉर लंडन इज अ कोलाब्रेशन वर्क तो ये किस किस का कोलाब्रेशन वर्क है तो आपको यहां से ये पॉइंट याद रखना देखो हमने ऊपर पढ़ा था ना यहां देखो ये रहा ए लुकिंग ग्लास ऑफ लंडन एंड इंग्लैंड विथ थॉमस लोस तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो लुकिंग ग्लास ऑफ लंडन था ये रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस लोस का कोलेब्रेशन वर्क था मतलब दोनों ने इकट्ठा लिखा था तो so, यहां से ये जो चीज है आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखनी है बहुत ज्यादा ठीक है ए लुकिंग ग्लास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड तो ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है एग्जाम में आया हुआ है ठीक है बाकी आप इसका रोजा लेंड याद कर लेना as you like it का प्लॉट यहाँ से बोरो हुआ था ठीक है और जो ऊपर आपका विंस जो आया था पेंडोस्ट्रो उसे विंटर स्टेल का प्लॉट शेक्सपियर ने बोरो किया था अब रोजालिंड यूफिसस गोल्डन ये आपको ध्यान रख लेना है ये वाला भी इंपॉर्टेंट है तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे ठीक है तो थॉमस लोस के लिए आप ये ही दो खास याद रखेंगे दोनों के दोनों और ये प्लेग भी मतलब थोड़ा पॉइंट आउट कर सकते हो ठीक है ए ऑफ प्लेग ए ऑफ प्लेग इसको भी देख सकते हो आप नेक्स्ट थॉमस नैश थॉमस नैश के दो वर्क हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं इन दो को याद करना भाई हुँ. थॉमस नैश का एक तो आपको वर्क याद करना है द अनाटमी ऑफ अब्सर्डी अब्सर्ड्स होता है ना मतलब कुछ भी भद्दापन टाइप का ठीक है तो एक तो ये वाला वर्क आपको इसका ध्यान रखना है एक जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्राइस्ट टीयर ओवर जेरूसलम भाई जीजस क्राइस्ट के ऊपर लिखा हुआ है क्राइस्ट मीन्स जीजस क्राइस्ट ठीक है तो जीजस क्राइस्ट टीयर्स ओवर जेरूसलम तो ये भी आप याद करेंगे क्लियर गुड गुड पूनम गुड गोइंग नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टार लगा लेना जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया द अनफॉर्चुनेट ट्रेवल द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है तो मीन्स आप ये तीन जो है फेमस करके याद कर सकते हो और ये क्लर्जी मैन मतलब का, मतलब टाइप का पर्सन था ठीक है ना इसके फादर जो है क्लर्जी मैन थे तो थॉमस नैश के तीन वर्क याद करना द दी ऑफ अब्सर्ड अब्सर्डिटी क्राइस्टर्स एंड द ट्रैवलर इट बस ठीक है ये वाला पॉइंट आप बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे ठीक है हाँ ये भी इजाइल ऑफ डॉग्स ये भी एग्जाम में पूछा गया था केवीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इजाइल ऑफ डॉग्स ये भी याद करेंगे सीधा सीधा पूछेगा रिटर्न बाय ठीक है तो आपको सीधा सीधा पूछेगा रिटर्न बाय नेक्स्ट थॉमस किड थॉमस किड का एक तो यही पॉइंट याद रखना कि हु इज नॉट अमंग यूनिवर्सिटी विट्स थॉमस किड इज अट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्पेनिश ट्रेजेडी आपको पता है जो थॉमस किड है ये क्या है थॉमस किड स्पेनिश ट्रेजेडी इनका वर्क है जिसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जाने जाते हैं ठीक है थॉमस किड स्पेनिश ट्रेजेडी वॉज रिटन बिटवीन फिफ्टीन एटी टू टू इसका टाइम भी याद करना है क्यों ये इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इट्स अ फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले ये जो बदला लेने की भावना थी उसने उसको मारा मैं उसको मारूंगा तो सबसे पहले ये जो बदला लेने की भावना थी हम्म हम्म वेरी गुड पूनम सबसे पहले बदला लेने की भावना थी तो ये किसमें थी स्पैनिश ट्रेजेडी वर्क में तो इट्स अ फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी तो यही करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी कौन सी है तो स्पैनिश ट्रेजेडी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले जो है उस टाइम का माना गया था सिनिकन जो थे जो ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे उनकी तर्ज के ऊपर इन उनके ऊपर जो है ये वर्क आप कह सकते हो उनकी आ, के ऊपर ये वर्क था मतलब सेम उनका आ, एक तरह से थीम में उठा रखी थी ठीक है नेक्स्ट है क्रिस्टोफर मार्लो आपको पता मार्लो ट्रेजिडी किंग जैसे दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा में है उसी तरीके से भाई क्रिस्टोफर मार्लो है ट्रेजिडी किंग माने जाते हैं ये कहते हैं कि कई लिटरेरी पर्सनस तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई आपको पता है ये जल्दी इनकी डेथ हो जाती है तो कई बंदे तो पता क्या कहते हैं कई बंदे ये बोलते हैं कि मार्लो और शेक्सपियर एक ही था मतलब ऐसे बोल देते हैं जब हम डीप लेवल में पढ़ते हैं तो कई लोग ये बोलते हैं कि मार्लो और शेक्सपियर एक ही था और वो पता क्या उसने है ना पहले तो खूब ट्रेजिडी लिखी और फिर वो कॉमेडी लिखने लगा मतलब अपनी डेथ को दिखा गए बट ऐसा कुछ नहीं था ये दो अलग अलग पर्सन है ठीक है किरण आई एम आल्सो थिंकिंग अबाउट दिस ठीक है तो ये इनका मेजर वर्क्स आपको पता है लेन इनका मेजर है मस्करे एट पैरिस इम्पोर्टेंट है इसके सारे इम्पोर्टेंट है एडवॉर सकिन डॉक्टर फोस्टर्स जू ऑफ मोल्टा डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज आपको इसके सारे ही वर्क करने हैं मतलब कोई भी वर्क स्कीप नहीं करोगे मतलब इन सबको आपको पढ़ना है ठीक है टेम्बर लेन द मस्करे ऑफ पैरिस डीडो क्वीन ऑफ कार्थेस एडवर्ड सकिन द डॉक्टर फोस्टर्स जू ऑफ माल्टा ठीक है तो इसके सारे के सारी ट्रेजिडी बहुत इंपॉर्टेंट है तो मार्लो को आपको पढ़ना ही पढ़ना है अब वो बात हम नहीं कहेंगे कि दोनों सेम थे कोई कहता सेम थे कोई कहता अलग थे बट ऐसा तो नहीं है भाई सेम तो नहीं होने चाहिए ऐसा नहीं है इसकी आत्मा इसके अंदर घुस गई हूँ है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं था इसका टाइम स्पेन्ड देखो कितना थोड़ा है यार मतलब कैन यू इमेजिन कितना थोड़ा सा टाइम स्पेन है इसका तो so, लोग कहते हैं बट दोनों अलग थे यार क्योंकि एक बंदा इतनी ट्रेजिडी लिखता है और एक इतनी रोमांटिक लिख सकता है ऐसा थोड़ी ना होता है कभी भी है ना तो ध्यान रखेंगे अब यहां से इसकी एक पोएम याद करना दैशन एट शेफवर्ड ये वाली द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव ठीक है ये इसकी एक पोयम है ये भी आप ध्यान रखेंगे एन हीरो एंड लियडर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ज्यादा बार क्योंकि अनफिनिश्ड पोएम थी तो क्वेश्चन यही आता है कि मार्लो की अनफिनिश्ड पोयम कौन सी थी हीरो एंड लींडर ठीक है हीरो एंड लींडर मार्लो की क्या थी भई अनफिनिश्ड पोयम थी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको किसने कंप्लीट किया था तो जॉर्ज चैपमैन ने इसको क्या किया था भई कंप्लीट किया था तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन मार्क द स्टार ऑन दिस वीडियो नॉट दिस वीडियो दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन ठीक है हीरो एंड लींडर इज अनफिनिश्ड वर्क बाय क्रिस्टोफर मार्लोअ कंप्लीटेड बाई जोर्ज चैपमैन इन फिफ्टीन नाइनटी ठीक है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मस्ट रिमेम्बर दिस स्पेसिफिक पॉइंट. ओके. नेक्स्ट वी विल मूव क्लियर तो आपको यूनिवर्सिटी विट्स में क्या है मैंने आपको सारे यूनिवर्सिटी विट्स ट्रिक से याद करवा दिए और सबके इंपोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्क जो है आपको याद कर लेना वैसे ये पीडीएफ

नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मेटा फिजिकल पार्ट्स अब ध्यान से देखिए मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड परे मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड परे फिजिकल मीन्स फिजिक भौतिकी मतलब मेटा फिजिकल पॉइंट्स मतलब जो इस संसार से परे हैं जो इस भौतिकी से परे हैं जो इस दुनिया से परे हैं जो कुछ स्पिरिचुअलिटी में है पता नहीं कौन सी धुन में है एक्चुअली क्या है मेटाफिजिकल पॉइंट्स जब लिख रहे थे फिर इनको खुद नहीं पता था कि ये मेटाफिजिकल पॉइट होंगे ठीक है वो तो जॉनसन ने वर्क लिखा था द लाइफ ऑफ पॉइट उसके अंदर उस, उन्होंने चेकआउट किया कि यार इन सब की बातें तो बड़ी मिक्स हो रही हैं है। मतलब कुछ पॉइट्स को उठाया और ये कहा यार इनकी बातें बहुत मिक्स हो रही हैं इनकी थीम बड़ी मिक्स हो रहा है ये बहुत एंथसिस प्रयोग करते हैं बहुत पैराडॉक्स प्रयोग करते हैं बहुत यूनिक तरीके से लिखते हैं जब हम इनकी राइटिंग को चेक करें तो ऐसा लगेगा यार हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी है हाई लेवल ऑफ लव भी है और लस्ट से दूर है मतलब अजीबी किस्म का जो डिस्क्रिप्शन है इनकी पोइम्स में देखने को मिला जब ये लिख रहे थे इनको खुद नहीं पता था हम मेटाफिजिकल कहलाएंगे भविष्य में जाके लेकिन बाद में इन पोइट्स के नाम को एक नाम दे दिया गया मेटाफिजिकल पॉइट ठीक है देखिए द टर्म मेटाफिजिकल इज लूजली अप्लाइड टू द ग्रुप ऑफ सेवनटीन सेंचुरी पॉइंट्स तो याद रखेंगे यहाँ से ये सेंचुरी के थे मतलब जो सिक्सटीन के एरा में लिखते थे सोलह वाले टाइम में लिखते थे तो वो कहलाए मेटाफिजिकल मेटाफि सच एज जॉन डन कौन कौन से थे वेरी फर्स्ट आपको नाम ही ध्यान रखने हैं क्योंकि टीजीटी में तो सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा हु हु नॉट नॉट अमंग इज इंक्लूडेड इन मेटाफिजिकल पॉइट डेट इट इतना याद रखें ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है क्लियर हम्म देखिए जॉन डन आपको पता है इनका हेड था मतलब मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का एंड्रू मॉरवल ठीक है हेनरी वैग्यूम है जॉर्ज हर्बर्ट जॉर्ज हर्बर्ट एंड रिचर्ड क्रोशे जॉर्ज हर्बर्ट ठीक है तो ये जो पोएट थे ये क्या कहलाए थे भाई मेटाफिजिकल पोएट्स ये क्या कहलाए थे मेटाफि पॉइट कौन कौन अगेन आई रिपीट जोनडन ठीक है एंट्र्यू मार्बल हैनरी वैग्यूम हैनरी वैग्यूम जॉर्ज हर्बर्ट रो जॉर्ज हर्बर्ट रिचर्ड क्रोशे ये सभी क्या कहलाए हैं भाई मेटाफिजिकल पॉइट जो है कहलाए थे ठीक है ये किसी स्पेसिफिक एरा से थे सेवनटीन सेंचुरी में मैंने कहा जब ये लिखते थे इनको खुद नहीं पता था कि हम मेटाफिजिकल कहलाएंगे ये कॉमन इनके अंदर क्योंकि जिस टाइम ये लिख रहे थे जरूरी नहीं है ये एक साथ लिख रहे थे आगे पीछे लिख रहे थे लेकिन इनको बाद में एनालिसिस किया गया इनके अंदर कुछ कॉमन क्वालिटीज मिली कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मिली जिसके अंदर विट मिला बुद्धि मिला इन मतलब कुछ पैराडॉक्स मिले कुछ सिमलीज मिली कुछ इलाब्रेशन वाला कुछ स्टाइलिस्टिक वे मिला इन सब में कुछ यूनिक सा कंटेंट मिला तो इसलिए ये मेटाफिजिकल कहलाए अब यहां से कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखना है फर्स्ट क्वेश्चन है जॉन ड्राइडन वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म दिजिक इन हिज क्रिटिसिज्म ऑफ डन ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन का डिफरेंस जो मेटाफिजिक शब्द है ना वो तो जॉनसन ने यूज किया था द लाइफ ऑफ पोएट्स के अंदर ठीक है जो मेटाफिजिकल शब्द है वो तो जॉनसन ने यूज किया था लाइफ ऑफ पोएट्स के अंदर ठीक है लेकिन डन को जो जॉन डन था जॉन डन को जो मेटाफ़िज़िकल कहा वो किसने कहा ड्राइडन गुड इवनिंग सेजल जॉन डन ने जो मेटाफ़िज़िकल पॉइंट कहा वो किसको कहा भाई सॉरी जॉन ड्राइडन ने जो मेटाफ़िज़िकल पॉइंट कहा वो किसको कहा भाई जॉन डन को तो क्वेश्चन का डिफरेंस याद रखना ड्राइडन ने जॉन डन को ये शब्द से नवाजा था और पूरा ये जो एक आ, सर्च करी थी ये जॉनसन ने की थी ठीक है लाइफ ऑफ पॉइट के अंदर ठीक है और ये कौन सा था ड्राइडन का जो वर्क था डिस्कोर्स डिस्कोर्स कंसर्निंग कंसर्निंग ठीक है सटायर के अंदर ड्राइडन ने स्टेट किया था बोला था डन को ठीक है क्या मेटाफिजिक पॉइट यू कैन से फादर ऑफ मेटाफि क्लियर और फिर सैमुअल जॉनसन ने क्या किया था इसको एक्सटेंड कर दिया इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स को और मिला दिया एक ग्रुप बना दिया और ये पूरा एक टर्म यूज कर दिया भाई मेटाफिजिकल और ये लोग बहुत यूनिक वे से जो है लिखते रहते थे ठीक है तो सबसे पहले ड्राइडन ने सिर्फ डन को बोला आपको ध्यान रखना और फिर इस टर्म को सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके लाइफ ऑफ पॉइंट्स में जॉनसन ने इसको कर दिया सो वेरी फास्ट जॉन डन तो जॉन डन वैसे मैं बहुत डीप या नहीं पढ़ा रही भाई बट स्टिल एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर इसकी फेमस पोएम देख लो नेम नेम याद करना है आपको देखिए जॉन डन बहुत यूनिक थे भाई कैंपस वाला जो इनका कंपैरिजन है लिटरेचर के स्टूडेंट को पता होगा बहुत फेमस है हाँ 52 टू थे लाइफ ऑफ पॉइंट्स के अंदर अब ये ऐसे कैंपस था ना जैसे प्रकार होता है प्रकार कैन यू इमेजिनेशन द इमेजिनेशन ऑफ दीज पॉइंट्स कहता जैसे एक प्रकार होता है ना प्रकार प्रकार ऐसे धूरी पे घूमता रहता है घूमता रहता है कहता है कि मैं तो उस कंपस की तरह हूं जो सेंटर में खड़ा रहता हूँ और मेरी बिलाउडी घूमती रहती है बट वी नेवर मेट इच अदर मैडम मिलते मिलते नहीं है मतलब बहुत यूनिक यूनिक से एग्जाम्पल करते थे हाँ क्लियर लेकिन जॉन डन को भाई डिटेल में पढ़ लेना जॉन डन की सभी पोएम्स की जो लाइंस है उनमें से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्स्ट पॉइंट है फ्ली आपको याद रखना है फिर आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट सनराइजिंग भी इंपॉर्टेंट कर रहे भी याद ठीक है होली सोनेट कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में होली सोनेट डेथ बी नॉट प्राउड होली सोनेट तो ध्यान रखेंगे ये अकास्ट्री अकास्टीसी ये भी याद करनी है ठीक है हाइम्स टू गॉड ये भी याद करनी है गुड फ्राइडे सारा याद करना है जॉन डन को सारा याद करना सारा का सारा इंपॉर्टेंट है ठीक है हाय कनिका तो मींस आपको ध्यान रखना है जॉन डन का तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही तुम्हें क्या करना है भाई अच्छे से याद करना है क्लियर तो जॉन डन के सारे के सारे नाम याद करने है एक भी मत मिस करना भाई जॉन डन का Even self -effort कर लेना लेना थोड़ा का और लास्ट भी देख फ्ली है 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 होली है 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 सारे याद करेंगे आप ठीक है नेक्स्ट है जॉर्ज हर्बर्ट जॉर्ज हर्बर्ट का एक ही वर्क है जो बहुत ज्यादा फेमस है अगेन एंड अगेन एग्जाम्स में पूछा जाता है भाई जॉर्ज हर्बर्ट से रिलेटेड द टेम्पल ठीक है तो जॉर्ज हर्बर्ट की द टेम्पल याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है द टेम्पल ए एप्रीस टू द टेम्पल ठीक है तो टेम्पल से रिलेटेड है आप ऐसे याद करना भाई ये जो जॉर्ज जो हर्बर्ट है हमारा ये टेम्पल से रिलेटेड है ठीक है जॉर्ज हर्बर्ट टेम्पल से रिलेटेड है ठीक है नेक्स्ट है रिचर्ड क्रशे इसका यहां पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे भाई बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जॉर्ज हर्बर्ट का तो एंड प्रिस्ट टू टेम्पल है ठीक है? लेकिन इसके आगे स्टेप लगा दे। स्टेप दा टेम्पल्स। तो ये द्वारे का वर्क है ये वर्क बदल जाएगा ठीक है और ये क्रश इसकी प्रोनसिएशन भी हमेशा थोड़ी थोड़ी तो गलत होती है तो ये रिचर्ड क्रेशे का वर्क है तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे स्टेप टू द टेम्पल को हमेशा ठीक है तो ये इसका यही डिफरेंस है और यही क्वेश्चन हमेशा आता है द टेम्पल प्रिस्ट टू द टेम्पल एंड स्टेप टू द टेम्पल तो डिफरेंसेस याद रखेंगे भाई ठीक है स्टेप टू द टेम्पल जो है रिचर्ड क्रेशे का है एंड ये वाला हर्बर्ट का है द टेम्पल एंड प्रिस्ट टू द टेम्पल तो दिस इज मेजर डिफरेंस और यहाँ से यही वाला क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो अच्छे से याद रखेंगे नेक्स्ट है हेनरी वेग्यूम हेनरी वैक्यूम का आपने याद करना है दाउंट ऑफ ओलिव ठीक है द अमाउंट ऑफ ओलि द माउंट ऑफ ओलिव और जहां सब टाइटल आ जाता है जहां सब टाइटल आ जाता है तो वो तो समझ लो स्टार लगा के याद करना है ठीक है जहां पर सब टाइटल आ जाता है तो वो तो स्टार लगा के आपको याद करना है तो द माउंट ऑफ ऑलिव और सोलिट्री डिवोशंस इसका सब टाइटल है याद रखना है क्लियर थैलिया रेडिविया ये भी देख सकते हो थैलीविया रेडिविया वैसे टीजीटी पीसीटी में नहीं आएगा इतना डीप मे बी स्क्रीनिंग और डीएसएसबी में आ सकता है ठीक है तो थैलीविया रेडिविया ये भी ध्यान रखेंगे पूजा वर्मा अभी कोई आइडिया नहीं है लगता है हमें भी कोई अभियान चलाना पड़ेगा थोड़े दिन वेट कर लेते हैं क्या होगा लेट्स सी फिर देखते हैं नेक्स्ट है एंड्रयू मार्वल एंड्रयू मार्वल का एक ही है जो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई मिस्ट्रेस वाला पक्का याद कर लेना ठीक है नहीं वो तो अब्राहिम कोयले का है ना कोई मिस्ट्रेस तो अब्राहिम कोयले सॉरी ये तो एंड्रयू मार्वल है वो तो अब्राहिम कोयले का है कोई कोई मिस्ट्रेस वाला यहाँ पे हम एंड्रयू मार्वल मेटाफिजिकल को देख रहे हैं तो इसकी कुछ पोएम्स का नाम आपको याद करना एक है अपोन एप्पलटन हाउस एंड सेकेंड है द गार्डन ठीक है एंड्रयू मार्व अब्राहिम कोयले का है भाई अब्राहिम कोवले ये तो एंड्रयू मार्वल है इसका नहीं है नेक्स्ट है यहां से आपको क्या याद रखना है आइज एंड फियर्स देख सकते हो एक सेकेंड अब्राहिम कोयले का नहीं है एंड्रयू मार्बल ही है टू हीज कोस है ना एंड्रयू मार्बल का ही है भाई तो अब्राहिम कोयले का भी कुछ ऐसा ऐसा है टू हीज कोस तो फेमस एंड्रयू एंड्रयू मार्बल ठीक है ठीक है ठीक है इसी का है हाँ तो इसका यही फेमस है जो आपको याद रखना आइज एंड फियर्स कुछ खास है टू हीज कॉई मिस्ट्रेस ही है सबसे इम्पोर्टेंट और डेफिनेशन ऑफ लव डेफिनेशन ऑफ लव एंड ये भी याद करना भाई द नीम्स कंप्लेनिंग फॉर द डेथ ऑफ हर फॉन नीम्स पता क्या होती है जैसे ये नहीं होती स्वर्ग की परियां सी टाइप में जो स्वर्ग की परियां सी टाइप वाली होती है उनको बोलते हैं ठीक है तो ये वाला भी याद करना इसी से रिलेटेड है एंड्रू मॉर्बल से बस बाकी कोई ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसकी तीन ही वर्क याद करना बस तीन वर्क याद करना आप इसके द अनफॉर्चुनेट लवर इंपॉर्टेंट है भाई द अनफोर्चुनेट लवर टू हिज ठीक है डेफिनेशन ऑफ लव सारा ही लव टाइप में है यंग लव द दिन कंप्लेनिंग फॉर द डेथ ऑफ हर फॉन बस साथ में इसकी जो ऊपर एक पोएम है एस एंड फियर्स ठीक है आईज एंड फियर्स तो ये याद कर लेना क्लियर तो मीन्स ये मेटाफिजिकल पॉइंट्स है इनमें यही याद करना बाकी मैंने बहुत पहले डिटेल वीडियो बनाई थी उसको भी चाहे तो देख लेना है वो कॉपी पे बट डिटेल है यहां तो मैं आपको शॉर्ट में ये क्लियर करवा रही हूँ कि यूनिवर्सिटी वर्ड्स कौन थे मेटाफिजिकल कौन थे और कैविलियर कौन थे बस ठीक है अब है कैविलियर पॉइंट्स अब जो कैविलियर पॉइंट थे भाई ये कौन थे आपको पता ये वो वाला सिनेरियो है जेकोबियन एरा वाला जिसमें एक तरफ पार्लियामेंट एक तरफ किंग वाला शासन जो है चल रहा है तो ये थे वो जो राज, राज कभी होते हैं जो कहते हैं ना राजा के दरबार में कवि होते हैं तो ये उस टाइप के थे भाई हाँ हाँ आ, याद आ गया मुझे कोई है अब्राहिम कोयले मुझे है ना कुछ डाउट है एक सेकंड क्योंकि अब्राहिम कोहले का द मिस्ट्रेस होगा या तो वो कुछ प्ले या पोएम में से कुछ होगा ठीक है एंड्रयू मार्वल का भी कोई मिस्ट्रेस है बट मैंने अब्राइम पोले का भी कुछ ना कुछ पढ़ा है मैं चेक करती हूँ लास्ट में गूगल चेक करेंगे टू एंड्रयू मार्वल अब्राइम पोले टू एंड्रयू मार्वल कोई मिस्ट्रेस एंड्रयू मार्वल का ही है भाई ठीक है इतना मत दिमाग घुमाओ एंड्रयू मार्वल का ही है अगला देखो अगला है कैविलियर पोएट्स नेक्स्ट है कैविलियर पोएट्स हां तो यार जैसे चार्ल्स वन के कोर्टियर थे मतलब चार्ल्स वन के दरबार में होते थे भाई कैविलियर पॉइट्स ये कैविलियर पॉइट्स क्या था जैसा इनका राजा वैसे ही ये थे मजे रहने वाले थे तो ये जो कैविलियर पॉइट्स थे ये मतलब वैसे तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे बट चार्ल्स वन की कोर्ट में रहते थे और चार्ल्स वन की लॉयल्टी को हमेशा सपोर्ट करते थे ये ठीक है और ये अपने स्टाइल में ये बिलीव करते थे लाइफ को मूमेंट को मीन इनका इनका क्या मानना था कि लिव द मूमेंट जो पल है उसमें जियो ठीक है कैबुलियर पॉइंट्स का क्या मानना था कि भविष्य की मत सोचो पास्ट की मत सोचो जो मोमेंट है उसको तो जियो यदि आपको एक घंटा मिला ना तो ये कहते थे एक घंटा मजे करो जिंदगी में कहते ना उसी मोमेंट को जियो जो मोमेंट आपके पास है इस फिलोसफी पे काम करते थे कैबुलियर पॉइंट्स ये बिलीव करते थे आ, मतलब लव के अंदर अफेयर्स के अंदर म्यूजिक के अंदर लाइफ को एंजॉय करने के अंदर बिलीव करते थे तो लव लस्ट ये थीम जो है इनकी बेसिकली पाई जाती है जो कैवलियर पोइट्स होते हैं इनकी पोइट्री के अंदर जो लव की थीम है लस्ट की थीम है ये थीम जो है बेसिकली पाई जाती थी ठीक है तो ध्यान रखेंगे ये काफी पैशनेट टाइप के पॉइट थे इसमें ये तीन नाम है ज्यादा फेमस आपको याद करने हैं फर्स्ट है रॉबर्ट हैरिक वेरी फर्स्ट है रॉबर्ट हैरिक ठीक है रॉबर्ट हैरिक रॉबर्ट हैरिक का जो इंपॉर्टेंट है आपको यहां से देखो एक सेकेंड रोबर्ट हैरिक का जो इंपॉर्टेंट है आपको यहां से याद करना है हेस्पेडाइसिस ये वाला वर्क याद करना है ठीक है तो ये रोबर्ट हैरिक से रिलेटेड है जो आपको याद करना है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये यही एक वर्क है जो रोबर्ट हैरिक का बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद करना है नेक्स्ट है थॉमस कैरियो इसका आपको याद करने हैं तीन इंपॉर्टेंट वर्क ठीक है एक द हेयर ये बालों वाला नहीं है एच आई आर वाला है ठीक है ध्यान रखेंगे एक आपको याद करना है पेंस हार्स्ट टू पेन हार्स्ट टू पेन ई एन पैंस लिखे पी एन एस ठीक है एच यू आर टी एस टू पेंस हार्स्ट ऐसे याद कर लेना ठीक है और एक इसकी पॉइंट है द रैप्चर ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है इस पे स्टार लगा लीजिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके वर्क नहीं पूछे गए हैं आज तक कभी भी सिर्फ यही पूछा गया है कि पॉइंट्स में कौन इंक्लूड नहीं है इस तरीके से ठीक है नेक्स्ट है जॉन सकलिंग जॉन सकलिंग ठीक है जॉन सकलिंग का जो आपको इंपॉर्टेंट याद करना है ये याद करना है बैलेड अपॉन ए वेडिंग बस दैट्स इट वेलेट अपॉन ए वेडिंग एंड गोबलि दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है गोबलिन्स बस ये गोबलि इंपॉर्टेंट है जो आप याद करेंगे गोबलि नेक्स्ट है रिचर्ड लवलिस रिचर्ड लवलिस रिचर्ड लवलेशस का आपको याद करना है द स्कोलर्स लवलेस का याद करना द स्कॉलर्स, ठीक है और यही इंपॉर्टेंट है जो याद करना द स्कॉलर्स, इनके है ना एंड द सोल्जर्स बस एक्चुअली क्या है ये ज्यादा नहीं पूछाते इनके वर्क नहीं पूछाते ज्यादा इनका यही था कि कौन सा किसमें इंक्लूड था और कौन सा किसमें इंक्लूड नहीं था ठीक है तो द स्कॉलर्स एंड द सोल्जर्स द स्कॉलर्स एंड द सोल्जर्स तो इस तरीके से आप लवलेस को याद करेंगे किसको भाई रिचर्ड लवलेस आई थिंक इट्स द लास्ट पेश ठीक है तो कैविलियर पॉइट के अंदर आपको कौन से याद करने हैं भाई आपको याद करना रिचर्ड लवलेस देन आपको याद करना है जॉन सकलिंग ठीक है और चार्ल्स वन के कोर्टियर थे थॉमस कैर्यू एंड यू जस्ट रिमेंबर रॉबर्ट हैरिक ठीक है इतना ही याद करना कैबलियर पॉइट के लिए ठीक है स्कॉलर्स एंड सोल्जर दोनों अपोजिट थे एक कॉमेडिक वर्क था और एक ट्रेजिक वर्क था ठीक है तो इस तरीके से आप इनको याद कर लेना भाई दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं सो गाइज ऑल अबाउट टूडे वी हैव डिस्कस मेटाफिजिकल पॉइंट्स एंड यूनिवर्सिटी विट्स एंड कैबिलियर पॉइट सो होप सो यू लाइक माई एफर्ट्स एंड इफ यू लाइक देन फॉर गेट यू लाइक दीडियो डोट फॉर गेट टू कमेंट ब्लॉग एंड कमेंट करना मत भूला करो बिकॉज आई ऑलवेज लव टू रीड यूअर कमेंट्स और फिर वही बात आ जाती है मुझे पढ़ाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की डिमांड करते हैं तो जिस सब्जेक्ट का मुझे भी ये लगेगा कि हाँ रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं बच्चे बच्चे लाइक कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को बच्चे उस सब्जेक्ट को इन्जॉय कर रहे हैं तो मैं उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा कॉन्टिन्यू करने की कोशिश करूँगी करती सबको रहूँगी बट उन सब्जेक्ट को ज़्यादा कॉन्टिन्यू करेंगे जिनको ज़्यादा बच्चे पसंद करेंगे ठीक है सो so भाई बाय टेक केयर इनफ फॉर द डे एन इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट कोर्स अचीवर अकेडमी ऐप के ऊपर है इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जो पीजीटी का हर एक एग्जाम के लेवल का है इफ यू वॉन्ट देन यू कैन गो विध दैट कोर्स बाय टेक केयर हैव ए नाइस डे थैंक यू पूनम यू आर वेरी गुड एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स करते हो